Owls in the Family. One winter morning, my grandfather and I found a baby spotted owlet by the veranda steps of our home in Dehradun. एक बार grandfather और मुझे एक baby spotted owlet मिला हमारे veranda steps के पास जब मैं उनके साथ देहरादून में रहता था और उसको फिर हमने थोड़ा सा raw meat दिया और water दिया and then he settled down under my bed. वो आराम से हमारे bed के नीचे बैठ गया. The little owlet was quite happy under my bed. वो बहुत खुश था. The following day, we found the second baby owlet in almost the same spot on the veranda. और अगले ही दिन उन्हें एक दूसरा owlet मिला उसी जगह पे जहाँ उन्हें first owlet मिला था. तब उन्होंने realize किया कि जो उनका rain water pipe था वो emerge हो रखा था roof से और वहाँ पर एक छोटा सा nest बना हुआ था bird का. शायद वहीं से वो नीचे गिरा हो. तो उन्होंने second outlet को भी लिया और first outlet के साथ उन्होंने उसको रख दिया. अब उन्हें दोनों को उन्होंने अच्छे से खाना खिलाया और उन्हें आराम करने के लिए छोड़ दिया. When I went to bed, they were on the window ledge just inside the mosquito netting, and later in night, their mother found them there. From outside, she sang in a soft voice for a long time, and in the morning, I found she had left a mouse with its tail tucked through the mosquito net. Obviously, she placed no great trust in me as a foster parent. अब रात में जब रस्किन बॉन्ड सोने के लिए गए तो दोनों के दोनों आउटलेट्स विंडो की लेज पर थे, यानी विंडो के किनारे पे थे और उनके विंडो पे क्या लगा हुआ था? मॉस्किटो नेट, राइट. अब मॉस्किटो नेट के बाहर उनकी मदर ने उनको ढूंढ लिया और अपने बेबीज़ के लिए उसने पूरी रात सॉफ्ट वॉइस में सॉन्ग गाया. और जब मॉर्निंग में रस्किन बॉन्ड सोकर उठे तो तब उन्होंने देखा कि उनकी मम्मा ने अपने दोनों बेबीज़ के लिए एक चूहे की टेल उस मॉस्किटो नेट में फंसा रखी थी. शायद उसकी मम्मा को लगा होगा कि रस्किन बॉन्ड ने उनको कुछ खाने के लिए शायद दिया हो या नहीं दिया हो. होता है ना, हमारी मदर को थोड़ी टेंशन होती है. तो इन द सेम वे जो आउलेट्स की मदर थी वो भी उनके लिए एक माउस हैंग करके गई थी मॉस्किटो नेट में. ऑब्वियसली उसको लगा होगा कि एज अ फॉस्टर पेरेंट रस्किन बॉन्ड उनके बच्चों का ख्याल नहीं रख रहे हैं. Now the young birds thrived and 10 days later grandfather and I took them into the garden to release them. अब 10 दिन हो चुके हैं, आउलेट्स थोड़े बड़े हो चुके हैं तो grandfather और मैंने सोचा कि अब इनको थोड़ा रिलीज कर दिया जाए. तो वो दोनों गार्डन में आए. I had placed one on a branch of a mango tree and was stooping to pick up the other one when I received a heavy blow on the back of the head. अब मैंने क्या किया, एक आउलेट को मैंने कहाँ पे रख दिया, मैंगो ट्री की ब्रांच पे रख दिया और जैसे ही मैं दूसरा वाला आउलेट उठाने के लिए झुका मैंने अपनी बैक पे एक हैवी ब्लो, एक तेज हवा को फील किया, ठीक है. अ सेकेंड और टू लेटर द मदर आउल मूव डाउनवर्ड क्विकली. और वैसे ही जो उनकी मदर थी, आउलेट्स की मदर थी, वो वहाँ पर आई और वो क्विकली उनके ऊपर से होती हुई निकली. और जो ग्रैंडफादर थे ही वॉज क्वाइट एजाइल एंड डग्ड आउट ऑफ द वे. तो मेरे ग्रैंडफादर भी बड़े चुस्त निकले, ठीक है, वो भी एकदम से झुक गए नीचे की तरफ और वो वहाँ से भाग निकले. ग्रैंडफादर और मुझे लगा कि शायद मदर आउलेट अपने बेबीज़ को लेकर चली गई होगी. बट नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड द टू आउलेट्स इन द वरांडा, ठीक है. तो वो जल्दी से गया और उसने अपने ग्रैंडफादर को बताया कि देखो ग्रैंडफादर, दोनों के दोनों आउलेट्स हमारे वरांडा स्टेप्स में बैठे हैं. जब मैं और ग्रैंडफादर बाहर आए तो हमने देखा कि मदर वॉज सिटिंग ऑन द बर्ड बार. शी ग्रीटेड अस विद अ सॉफ्ट वू वू. नाउ मेरे ग्रैंडफादर ने बोला, नाउ देयर इज एन अनसेल्फिश मदर फॉर यू.
said Grandfather. It's obvious she wants us to keep an eye on them. They are probably getting too big for her to manage. अब Grandfather ने बोला, अब हमारे सामने एक unselfish मदर है जो शायद हमसे चाहती है कि हम उसके बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि अब उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं और शायद वो उनको संभाल नहीं पाएगी, तो वो हमें क्या बोल रही है कि आप इनका ध्यान रखिए। और जो मदर आउल थी वो अपने दोनों बेबीज़ को छोड़कर वहाँ से चली गई। यानी अब रस्किन बॉन्ड के घर में दो नए पेट एनिमल्स थे, पेट बर्ड्स थे, टू लिटिल आउलेट्स। So the owlets became regular member of our household and were among the few pets and grandmother took a liking to. अब grandmother जो थी उनको भी owlets पसंद आ गए। आपको पता है, she objected to all the snakes, most monkeys and some crows. We had all these pets from time to time. हमारे घर में पहले भी हम लोग मंकी रख चुके हैं, स्नेक रख चुके हैं, इवन क्रो भी रख चुके हैं, लेकिन हमेशा दादी माँ को ऑब्जेक्शन रहता था, उनको वो पसंद नहीं थे। लेकिन ये लिटिल आउलेट्स दादी माँ को भी पसंद आए। एंड आपको पता है, जो दादी माँ थी वो उनमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाती थी एंड फ्रिक्वेंटली फेड देम स्पेगेटी, और उनको स्पेगेटी खाने के लिए देती थी। स्पेगेटी क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ पास्ता इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग्स, जो आउल्स को बहुत पसंद होता है। तो ग्रैंडमा उनको फ्रिक्वेंटली वो खिलाया करती थी और लिटिल आउलेट्स भी बहुत मज़े लिया करते थे। दे लव टू सिट एंड स्प्लैश इन अ शैलो डिश। दे इंजॉयड इट इवन मोर इफ कोल्ड वाटर वॉज पोर्ड ओवर देम फ्रॉम अ जग वाइल दे वर इन बाथ। अब उनको नहाना बहुत पसंद था लिटिल आउलेट्स को। वो काफ़ी देर तक अपने बर्ड बाथ में बैठते, नहाते और स्प्लैश करते, इवन दिन में 2 या 3 times भी उनका हो जाता था, ठीक है। और ड्यूरिंग द डे टाइम दे डोज्ड ऑन द हैट स्टैंड। दिन में वो झपकी लेते हैट स्टैंड पे और रात में वो अपना शिकार ढूंढते, किचन में जो बिटल्स होते हैं उनको कैच करते, राइट। अब जो रस्किन बॉन्ड है वो बोल रहे हैं, आई कैरी इन माई माइंड अ पिक्चर ऑफ ग्रैंडमदर इन हर रॉकिंग चेयर। उन्हें आज भी वो पिक्चर याद है जब उनकी मदर, जो उनकी ग्रैंडमदर थी, वो रॉकिंग चेयर में एक आफ्टरनून सो रही थी और जब वो रूम के अंदर वो जब एंटर हुए तो तब उन्होंने देखा कि जो एक आउलेट है वो भी क्रॉल्ड करके ग्रैंडमदर के ऊपर पहुंच चुका है, उनकी लैप में बैठा हुआ है और दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, स्नोरिंग। बोथ ग्रैंडमदर एंड द आउलेट्स वर स्नोरिंग। देखिए दोनों एक साथ सो रहे हैं, राइट। यानी आप समझ सकते हैं कि आउलेट्स जो नरेटर की फैमिली का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। सो आई होप ये सबको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। द आउल्स इन द फैमिली।